बच्चे प्रश्न को सही से पढ़कर उत्तर नहीं देते, उनका क्या हाल होता है बताओ। ये चुटकुले के माध्यम से आपको मैं बता रहा हूं, इसको समझना कि प्रश्न का इंपॉर्टेंस क्या होता है। एक बार एक इंटरव्यू था और इंटरव्यू में एक बच्चा जाता है और इंटरव्यू ऑफिसर उसे पूछता है कि आप देश का ये बताओ कि देश का प्रधानमंत्री कौन है। तो उसने बोला अटल बिहारी वाजपेयी। ये 99 की बात है, तो प्रधानमंत्री कौन था? अटल बिहारी वाजपेयी। तो दूसरा प्रश्न उससे पूछा कि अब ये बताओ कि देश को आजादी कब मिली। तो जवाब था कि 1857 से संघर्ष शुरू हुआ और 1947 में जाके आजादी मिली। तो बताओ दोनों प्रश्न ठीक थे या गलत थे? तो लड़का पास होगा कि नहीं होगा? अब जैसे ही वो रूम से बाहर निकलता है, जैसे वो रूम से बाहर निकलता है और अगला बंदा उसको क्या पूछता है, ये बताओ कि तुमसे इंटरव्यू ऑफिसर ने क्या क्या प्रश्न पूछे। तो उसने बोला तू प्रश्न की तरफ ध्यान क्यों दे रहा है, टाइम कम है, सीधा उत्तर रट ले। तो बोलो क्या पहले का उत्तर है क्या अटल बिहारी वाजपेयी और दूसरे का है 1857 से 1947। बंदा हड़बड़ी के अंदर गया, उसने सोचा कि दोनों क्वेश्चन तो मुझे आते हैं, मैं भी सिलेक्ट हो जाऊंगा। तो उसने पूछा तुम्हारा नाम क्या है? तो बोला अटल बिहारी वाजपेयी। उसे हो सकता है महसूस हुआ होगा भाई हो सकता है दो नाम भी हो सकते हैं। तो बोला तुम्हारा जन्म कब हुआ? बोला 1857 से संघर्ष शुरू हुआ था और 1947 में जाके आजादी मिली। तो आपका मेरा कहने का मतलब है प्रश्न को ध्यान से जब तक नहीं सुनोगे उत्तर ठीक से नहीं दे पाओगे। समझ गए इस चुटकुले के माध्यम से कि प्रश्न का इंपोर्टेंस क्या है? समझे नहीं समझे? चलिए थैंक यू।